ये वो तकरीर थी जिससे इनको बहुत पजीराई मिली, लेकिन इंडिया ने जब ट्रंप कश्मीर के ऊपर सालसी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। फिर पाकिस्तानी इलाकों में बालाकोट पे अंदर हमलावर हो गए। फिर पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की तो वो अभिनंदन वाला जहाज़ जो था हमारे इलाकों में आया और हमने उसको मार गिराया। ना सिर्फ उसको मार गिराया बल्कि उनका एक और जहाज़ था लेटेस्ट वर्जन का, उसको भी मार गिराया, उसका मलबा उनके अपने इलाकों में गिरा। फिर हमने पायलट भी वापस कर दिया उनका, एक अच्छा इंसानी जज्बा जो था उसका मुजाहरा किया गया। ये वो चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपर हैंड नज़र आया, लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर कंप्लीट फेलियर नज़र आई। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, उसके ऊपर उनका एतमाद बहुत ही कमज़ोर हमें नज़र आया। वफाक के अंदर भी इनसार ऑर्डीनेंसेस के ऊपर रहा, कानून साजी के ऊपर कम रहा। हाजरी इमरान खान समेत इनके वज़राए आला जो हैं पंजाब के अंदर उस्मान वज़दार और केपी के अंदर महमूद खान ना होने के बराबर उनकी रही। तो ये वो चीज़ें थी जो इनके लिए लम्हा फिक्रिया होनी चाहिए कि अगर इस निज़ाम के ऊपर यकीन है तो इसको मजबूत करना है। एक और इनका नारा था अकाउंटेबिलिटी, जितने चोर होंगे उनको एक एक पकड़ के अंदर करूँगा। वो एक एक के ऊपर मुकदमे बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कमज़ोर मुकदमों की बिना पर सारे लोग बारी बारी छूट भी गए। जिससे एक एक को अंदर किया था वो एक एक करके सारे बाहर आ गए। तो ये एक इशू है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे दोराहे के ऊपर 2 साल के बाद खड़ी है, जो इसका बड़ा नारा था अकाउंटेबिलिटी, उसमें कामयाबी नहीं हुई। इक्तसादी मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन एक रोशनी की किरण नज़र आती है अभी कि हम बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हैं। जितना नीचे गिर सकते थे जा हो आए उतनी हमने ज़मीन टच कर ली। अब यहाँ से ऊपर आने के लिए हो सकता है कि हमें थोड़ी सी गुंजाइश मिले और इक्तसादी बहाली का अमल शुरू हो जाए, लेकिन पोलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान के लिए चैलेंज है। प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहे और इक्तसादी तरक्की का अमल आगे शुरू हो। इकनॉमिक एक्टिविटी को किल करके मुल्क तरक्की नहीं करते, इकनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाकर साइज़ ऑफ द पाई आप बढ़ाते हैं तो उससे आपके टैक्सेस रेवेन्यू बढ़ते हैं, नई जॉब क्रिएशन होती है, लोगों को वसाइल उनके हाथों में जाते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होती है और यहीं से गुरबत मिटाने का अमल शुरू होता है। वो जो लोगों के लिए हम खसूसी घर बनाते हैं कि जिसको खाना नहीं मिला वो वहाँ आ जाए, वो एक हिस्सा तो हो सकता है आपका पूरेस्ट ऑफ़ द पुअर के लिए, लेकिन हम आधी आबादी को उन घरों में खाना नहीं खिला सकते। इस वक्त आधी आबादी उस सूरत हाल से शिकार है उसका।